The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. रेडियम के रिफ्लेक्शन से बचेंगे हादसे। ट्रैक्टर ट्राली हो या ट्रक, हर वाहन के पीछे लगेगी रेडियम की लाल पट्टी। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने दिए आदेश। हम आपको बता दें, ब्यावरा सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अब हर बड़े छोटे वाहनों पर रेडियम की रिफ्लेक्टिंग पट्टी लगाई जाएगी। लाल रंग की यह पट्टी खास तौर पर ट्रैक्टर ट्राली व ट्रकों के पीछे लगाया जाना जरूरी होगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ने इस पर आशय के आदेश जारी कर दिए है। मंत्री जी को लगता है कि ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे टेल लाइट नहीं होने से अक्सर पीछे से आने वाले वाहनों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता है और वो पीछे से ट्रालियों को टक्कर मारते हुए एक्सीडेंट व दुर्घटना की संभावनाएं व्यक्त होती है। सड़क दुर्घटनाओं में ऐसे केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसके मद्देनजर जिला परिवहन अधिकारी अभियान चलाया जा रहा है। राजगढ़ जिले के पचोर एवं साथ ही साथ ब्यावरा मंडियों में भी बकायदा शिविर लगाकर निःशुल्क लाल रंग के रेडियम रिफ्लेक्टिंग पट्टियां लगाई जाएगी। यह अभियान सतत जारी रहेगा। उम्मीद है इससे सड़क हादसों में कमी मिलेगी। जिला परिवहन कार्यालय का दस्ता इस कार्य में लगा हुआ है। तहलका इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। रेडियम प्लेट लगाई जा रही है और आज हमारे आरटीओ महोदय जयपुर सरकारी महोदय के निर्देश पर आज हमारे यहाँ पर आगमन हुआ है और हमारी कोशिश है कि जितने भी अधिकतम ट्रैक्टरों पर हम रेडियम प्लेट लगा सके, क्योंकि मंडी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में ट्रैक्टर आते हैं। तो आज हम मैं और मेरी टीम इस माध्यम से कार्य के लिए आई थी और हमारी कोशिश है कि जितने भी यहाँ ट्रैक्टर उन पर रेडियम प्लेट लगा जा सके। इस संबंध में कार्य भी चल रहा है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो भी ट्रैक्टर सभी रेडियम प्लेट लगा दी गई है। इस तरफ देखिए और इस संबंध में और भी जहाँ भी स्टार्ट की मान लो पचोर मंडी हुआ या फिर राजगढ़ वहाँ पर हमारा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वहाँ पर होगा। क्या मंडी या और भी क्षेत्र नहीं है, रोड पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि हमने एक सप्ताह पूरा दिया गया है संबंध के लिए, 28 तारीख लास्ट डेट तक संबंध में कार्य करना है। तो क्योंकि क्या है कि जो मंडी है वहाँ पर अधिकतम मात्रा में ट्रैक्टर मिलते हैं, हालांकि हमारा रोड पर भी कभी जाना होता है हम रोड पर भी लगाते हैं और मंडी में भी लगाते हैं। तो जहाँ भी अधिक मात्रा में हमारी कोशिश है कि जहाँ भी अधिकतम मात्रा में ट्रैक्टर मिल जाएगा वहाँ पर लगाओ। तो हमारे से आरटीओ महोदय का निर्देश था कि आज पचोर ग्यारह मंडी आए वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए क्या जो अन्नदाता हैं किसानों से जो आप रेडियम लगा रहे हैं शुल्क उनसे वसूला जा रहा है? शुल्क निःशुल्क है, निःशुल्क मतलब ये आगे भी जारी रहेगी? जी आगे भी जारी रहेगी।